हाय गाइस, दिस इज जियान एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी के साथ मैं हाजिर हूँ। तो गाइस, ये जो जॉब होने वाली है वो प्रमोशन प्रमोटर की जॉब्स होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जॉब की अपडेट देने से पहले एक हल्की सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स जल्दी जल्दी सबसे पहले पहुँचे। एक्चुअल फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप बेल को टच नहीं करते तो आपको पुराने वीडियो शो होता है, 3 महीना 4 महीना पुराना वीडियो शो होता है। उससे क्या होता है कि वो वीडियो देखे आप कमेंट्स करते हैं कि सर ये जॉब से क्या, ये अभी चल रहा है या क्या। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप पास वाले बेल आइकॉन बोले तो जो घंटी है ना, वो घंटी को दबा के रखेंगे तो आपको जो अभी रिसेंटली जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आता है, उसका जो आपके पास मैसेज आता है कि हम लोगों ने जो है वीडियो अपलोड किया है। तो गाइस, ये जॉब होने वाली है प्रमोशन का लिए, प्रमोटर के लिए। मैंने प्रमोशन और प्रमोटर का ऑलरेडी जो है वीडियो काफ़ी सारा जो है यूट्यूब पे छोड़ रखा है, अपलोड कर रखा है। ये उसी के रिलेटेड में है। फर्क कितना रहता है कि इसमें कंपनी चेंजिंग रहती है, इसमें सैलरी चेंजिंग रहती है, इसमें लोकेशन चेंजिंग रहता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता दूँ कि गाइस, एक्चुअल 2-3 दिन से काफ़ी जो है ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, सुबह से शाम जो है पता नहीं 100, 200, 300 कॉल्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं सुबह से शाम तक। लेकिन उन जो सुबह से शाम जितने कॉल्स आते हैं ना, उतने कैंडिडेट्स नहीं आते, उतने बंदे नहीं आते हैं। तो मैं एक ही चीज़ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टाइम पास कर यहां कॉल नहीं करें गाइस। अगर आप रियल में काम करना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं फैक्ट्री वर्क, हेल्पर वर्क, प्रमोशन वर्क, प्रमोटर वर्क, स्टाफ स्टोर, जो भी आप जो है इंटरेस्टेड है, जो वैकेंसी चल रही है उसका अपडेट लेने के लिए यूट्यूब मैंने डाल रखा है, फिर भी आप उस काम में इंटरेस्टेड है तो सीरियसली जो है फ़ोन करें, सीरियसली होके फ़ोन करें, टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं करें। 100 बंदों का कॉल आता है, 2 बंदा ज्वाइन होता है, ऐसा कंडीशन हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, जो काम में इंटरेस्टेड है बंदा वही कॉल करे, टाइम पास के लिए यहाँ कॉल नहीं करे। तो गाइस, जो होने वाली है प्रमोशन की, प्रमोशन बोले तो स्टोर के अंदर में सेल करना रहता है आपको एक पर्टिकुलर आइटम का। आइटम है वो पेस्ट, सुबह सुबह जो ब्रश करता है ना पेस्ट, वो एक नया ब्रांड है, नए ब्रांड का आपको प्रमोशन करना रहता है, प्रमोट करना रहता है उसको। वो कैसा रहता है कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो उसका एक रैक रहता है, हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट या फिर बड़ा बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल जो रहता है उसके अंदर आपको खड़ा कर दिया जाता है। कहाँ पे बोले तो जिस आइटम में जहाँ उसका प्रोडक्ट लगा रहता है, जैसे कि पेस्ट हुआ तो पेस्ट के लाइन में सारे पेस्ट जो है अलग अलग वेराइटीज कंपनी के रहते हैं ना, वहाँ पर आपको उसको जो खड़ा दिया जाता है या फिर आप वहाँ पर खड़ते रहते हैं, मतलब स्टैंडिंग ड्यूटी रहती है। आप जो है कोई कस्टमर पेस्ट लेने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल XYZ दूसरी कंपनी का पेस्ट लेता, तो आपको क्या करना रहेगा कि वो अपने कंपनी का पेस्ट को उसको अप्रोच करना रहेगा, उसका बेनिफिट क्या है, उसमें क्या क्या जो है फ़ायदा है और उससे करने से क्या जो है नुकसान है। जो भी XYZ कंपनी का एक ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपरली, वो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना है, उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट कैसा चल रहा है, क्या बेनिफिट रहेगा, क्या इफेक्ट करेगा आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे, तो वो सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या रहता है कि मिनिमम जो है थोड़ा एक्सपीरियंस होना है, एक्सपीरियंस बोले तो प्रमोशन का काम कहीं पे किया हुआ रहना चाहिए या फिर उस वो कैंडिडेट्स थोड़ा जो है 12th 10th मिनिमम पास होना चाहिए, ताकि इसमें क्या रहता है कि सुबह से शाम, शाम के टाइम में एक बार जितना हम लोगों का स्टॉक बिका, 1 पीस 10 पीस 50 पीस 100 पीस 50 ग्राम का कितना बिका, 100 ग्राम का कितना बिका, वो सब जो है एक बार रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है। व्हाट्सएप ग्रुप रहता है हम लोगों का, उन लोगों के ग्रुप में हम लोगों को एक रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है। ओपनिंग स्टॉक 10 पीस था, 3 पीस सेल हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 7 पीस है, वो सब ऐसे ऐसे जो है रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट है। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर, आप बेंगलोर में कौन से भी लोकेशन में क्यों ना हो, हर जगह इसका रिक्वायरमेंट है, अभी चल रहा है। लैंग्वेज इसमें हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु कौन से भी रहने दो चलता है। लोकेशन ऑलरेडी बता दिया मैंने। क्वालिफिकेशन इसमें जो है मिनिमम 10th to 12th होना जरूरी है। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर है, प्लस एज क्रिटेरिया आपको पता ही है इसमें कि 18 से लगाकर 25 लास्ट रहती है। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड जॉब्स या फिर जितनी भी
जितनी भी जो है अच्छी जॉब्स आती है, ऑफिशियल जॉब आती है, उसमें जो है 18 से 25 साल लास्ट रहती है। आप 25 के नहीं हैं, 27 के हैं, 29 के, 30 के, 35 के, फिर भी कॉल के जा रहे सर ये जॉब चाहिए मुझे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और ये सब जॉब्स जो रहती है इसमें जो है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के द्वारा। कंपनी का कैंडिडेट्स आता है, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, जो भी जितने कैंडिडेट्स रहता है उन सबको एक साथ बिठा के अपने ऑफिस में ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको फील्ड में भेजा जाता है, आपके नियर बाई लोकेशन में जहाँ पे बड़ा स्टोर है, सुपरमार्केट है, हाइपरमार्केट है, वहाँ पे आपका परमिशन लेके वहाँ पे आपको खड़ा कर दिया जाता है। सैलरी इसमें रहती है 12,800 इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ, CTC नहीं है ये, इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रिएट होती है आफ्टर 26 डेज के बाद, वो सैलरी रहती है 12,800। इसके अलावा बेनिफिट रहता है इसमें, ESIPF रहता है जो 8 घंटा ड्यूटी रहता है, नॉर्मल 8 घंटा ड्यूटी रहता है, प्लस एक वीक ऑफ मिलती है, वीक ऑफ सैटरडे संडे छोड़ के, फ्राइडे ले लीजिए, मंडे ले लीजिए, कौन से भी एक दिन कंपनी आपको वीक ऑफ देती है। कंपनी का जो है पूरा जो है आपको जानकारी लेने के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं विथ टिल अपडेट रिज्यूम के साथ। रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम से गाइस एक चीज याद आया कि काफी जो है कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो हाई सैलरी की चाह में पूछते हैं, फोन आता है सर अभी अभी कौन सी जॉब चल रही है, हम लोग अपडेट देते हैं कि भाई जो ये XYZ जॉब चल रही है, इसमें ये सैलरी है, इसमें ये सैलरी है, नहीं सर मुझे थोड़ा अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि अच्छी सैलरी वाली जॉब जो है ऑफर करते हैं, ये जॉब चल रही है भैया, तो ठीक है सर मैं करूँगा करके, तो हम क्या बोलते हैं कि एक काम कर तुम्हारा रिज्यूम भेज। अब वहाँ पे आदमी क्या करता है कि सर रिज्यूम क्या होता है, काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं जिनको रिज्यूम पता नहीं, काफी कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जिनको बायोडाटा पता नहीं। कहने का मतलब है रिज्यूम और बायोडाटा वो चीज रहती है जहाँ जिसमें आपका पूरा का पूरा डाटा रहता है। डाटा कहने का मतलब है आपका पूरा फोटो दिखता है उसमें, आपका नाम क्या, पिता का नाम क्या, आपका गाँव क्या नाम है, स्कूल कौन सी पढ़ी आपने, एक्सपीरियंस कितना है आपका जो है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो सारा का सारा उसमें जो है आप फिल करके जो है ऑफिशियल ढंग से रखते हैं उसको वो रिज्यूम बोलते हैं, बायोडाटा बोलते हैं। वैसे ऑफिशियल जो जॉब करता है ना उस सबको पता रहता है। तो इन सब जो है जॉब में जाएंगे तो आपको पहले कंपनी रिज्यूम पूछती है, सबसे पहले आप अपना रिज्यूम दिखाएंगे उसको, तो फिर वो रिज्यूम चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, आपका इंटरव्यू लेता है सॉरी वो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो कंपनी में पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद आपको फील्ड में भेजा जाता है। तो अभी ये जो जॉब चल रही है वो ऑल ओवर बेंगलोर में चल रही है, प्लस इसमें एक चीज गाइस ऑफिशियल जॉब है सो इसमें रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं है। कृपा करके आप इस जॉब के लिए रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं पूछें। हम लोगों के पास हेल्पर का काम चल रहा है, अभी हेल्पर की वैकेंसी चल रही है केरला में, वहाँ चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो रियल में जेन्युइन में काम करना चाहता है वो कैंडिडेट्स कॉल करें और अपना आधार कार्ड भेजें, नहीं तो फालतू में डाटा नहीं भेजें हम लोगों के पास। आपका आधार कार्ड आपके पास सुरक्षित रखें, आप टाइम पास करने के लिए यहाँ कॉल कदापि नहीं करें। तो फ्रेंड्स अच्छी जॉब्स आप लोगों के लिए, टाइमिंग इसमें हम लोगों का जो है मॉर्निंग 9 to जो है 7 o'clock रहता है। कैंडिडेट्स का बता रहा हूँ जो इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसकी टाइमिंग जो है सुबह 9 से लगाकर 8 घंटा बीच में, सॉरी 9 घंटा रहता है, बीच में 1 घंटा जो है ब्रेक मिलता है उसको, चाय कॉफी नाश्ता जो भी दोपहर का 1 घंटा ब्रेक मिलता है, 8 घंटा ड्यूटी रहता है, 26 दिन ड्यूटी रहती है, ESIPF रहता है, 12,800 सैलरी है, प्लस इसमें बेनिफिट रहता है इंसेंटिव। इससे अगर आपको अच्छा नॉलेज है सेल करने में, बोलने में, टेक्निक का, कस्टमर से कैसे बात करें, उसको कैसे जो है अप्रोच करें, उसमें अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो है आप इंसेंटिव आराम से 15,000 तक कमा सकते हैं, अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है कंपनी के थ्रू। तो गाइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जो जो इंटरेस्टेड है वो बंदा इस जॉब के लिए रिज्यूम भेजें।
रिज्यूम में भेजने के बाद नीचे टाइप करके व्हाट्सएप पे हम लोगों को भेजे, हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन पेस्ट कंपनी या फिर पेस्ट प्रमोशन, इमीडिएटली ज्वाइनिंग होता है। आज रिज्यूम भेजेंगे, शाम तक आपका ट्रेनिंग इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट डे आपका ज्वाइनिंग होगा आपके ही एरिया में। तो गाइस हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके कुछ अच्छे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।